फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज चेतना सिंह और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरी फेवरेट न्यूड एंड पीची कलर लिपस्टिक्स। सो मैं आपको बताऊंगी कि मेरे पास में कौन कौन से न्यूड शेड कलेक्शन है, तो आप भी उन्हें परचेस कर सकते हो, आप लोगों को भी हेल्प होएगी। सो मैं अपनी लिपस्टिक के शेड के साथ में स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले जो मेरी लिपस्टिक है वो नायका टू लास्ट लिक्विड लिपस्टिक है। इसका प्राइस जो है वो 550 रुपीज़ है। ये सिर्फ और सिर्फ नायका पे अवेलेबल है। ये इस टाइप की क्यूट पैकेजिंग के अंदर आती है। ये पीची न्यूड कलर है, आप देख सकते हैं अभी मैंने अप्लाई भी कर रखा है। ये बहुत अच्छा न्यूड कलर है। इसका शेड जो है वो 01 बॉम्बे है, बहुत फेमस शेड है ये। और इसके साथ में इस टाइप का एप्लीकेटर आता है, आई होप आपको ये कैमरे के सामने दिख रहा होगा, इस टाइप का एप्लीकेटर आता है। ये बहुत इजीली अपनी लिप्स की एज को कवर करता है, तो ये जो है एप्लीकेटर की हेल्प से हम इजीली इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसका लॉन्ग लास्टिंग पावर जो है वो 6 to 7 आवर है। इवन आप कुछ भी खाओगे या फिर लाइक एक तरह की वाटरप्रूफ और स्मज प्रूफ है। आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने मिष्टी शेड यूज़ किया था, तो उसी शेड का ये बॉम्बे है। तो ये बहुत अच्छी लिपस्टिक है, आपको ट्राई करनी चाहिए। आप देख सकते हैं कितनी क्यूट दिख रही है मेरे लिप्स पे। नेक्स्ट जो मेरी लिपस्टिक है वो नायका सो मैट लिपस्टिक में से है। इसका शेड जो है वो कैरामेल मोका है। ये न्यूड शेड है और इसका प्राइस जो है वो 400 के आसपास है, बट आपको डिस्काउंट में ये इजीली 250-300 के आसपास मिल जाएगी। मुझे भी 350 के आसपास मिली है। तो इसका जो एप्लीकेटर, ये थोड़ा इसकी जो पैकेजिंग है वो इस टाइप की मैगनेट टाइप की आती है, जो बहुत ही अच्छी है, ईजीली क्लोज हो जाता है। और इसका जो बुलेट आता है वो बहुत पॉइंटेड है, तो ईजीली आप जो है अप्लाई कर सकते हो अपने लिप्स पर। नायका सो मैट लिपस्टिक मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि मार्केट में बहुत सारी मैट लिपस्टिक अवेलेबल है, बट यू नो आप जब लिप प्रेस करते हो इस टाइप से तो वो थोड़ी केकी बन जाती है। तो ये जो लिपस्टिक है इसमें कोई डाउट नहीं है, मतलब इसको अप्लाई करने के बाद भी आप लिप प्रेस करोगे तो कोई ऐसी क्रैकी टाइप नहीं दिखेगी। बहुत अच्छी लिपस्टिक है। इसमें बहुत सारे आई थिंक 48 शेड्स हैं, तो मेरे पास में मैंने इसके न्यूड पिंक वगैरह सब शेड खरीदे हैं। तो अभी जो वीडियो है वो न्यूड और पीची कलर की लिपस्टिक पे है, तो मैं आपको सिर्फ न्यूड शेड ही दिखाऊंगी। तो ये लिपस्टिक मुझे बहुत अच्छी लगी। जिनका डीप स्किन टोन है मैं सजेस्ट करूंगी कि वो ये शेड परचेस नहीं करें, क्योंकि ये लाइट टू मीडियम स्किन टोन के लिए बेस्ट है, डीप स्किन टोन के लिए ये सूट नहीं करेगा। सो या मैं आपको इसका स्वैच भी दिखाऊंगी। नेक्स्ट जो मेरा शेड है वो पैरलिन कुकी है। ये भी नायका सो मैट लिपस्टिक में से है और इसका प्राइस अगेन 400 के आसपास है। और ये भी मैग्नेट पैकेजिंग की आती है, जैसा कि मैंने आपको बताया इसका बुलेट भी इसी तरफ से पॉइंटेड आता है, आप अप्लाई कर सकते हो। मैं आपका इसका स्वैच दिखाऊंगी ये कैसे दिखता है। नेक्स्ट अगेन जो मेरे पास में शेड है वो हॉट फज है और ये भी मीडियम टू डीप स्किन टोन के लिए है। अगेन इसका बुलेट पॉइंटेड है और मैग्नेट पैकेजिंग के साथ में आता है, सिमिलर है, शेड अलग है बस इसके। तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, मैं आपको दिखाऊंगी इसका स्वैच ये कैसे दिखता है। नेक्स्ट जो मेरे पास में लिपस्टिक है वो लैक्मे 9 to 5 वेटलेस मैट मूज लिपस्टिक है। इसके अंदर जो मेरा शेड है वो पिंक प्लश है, बहुत ही क्यूट पिंक और वीकेंड से लाइक पीची शेड है, बहुत अच्छा दिखता है लगाने के बाद में। गाइस इसके साथ में जो एप्लीकेटर आता है वो कुछ इस टाइप का आता है, ये भी इजीली अप्लाई हो सकता है। ये लिपस्टिक जो है वो 4 to 5 आवर आपके लिप्स पर अच्छे से टिकेगी, उसके बाद में थोड़ी क्रैकी हो जाती है, इसलिए मैं इसको अभी मुझे थोड़ा
मतलब पसंद आना कम हुआ है, बाकी मैं मुझे ये बहुत अच्छी लगती थी पहले, अभी जब से नायका सो मैट लिपस्टिक लॉन्च हुई है तो मेरा प्रेफरेंस इसके अंदर कम हो गया, बट कुछ शेड जो है वो नायका सो मैट लिपस्टिक के अंदर लॉन्च नहीं हुए हैं अभी, तो इसलिए मुझे ये लिपस्टिक बहुत अच्छी लगती है। और इस लिपस्टिक का एक बेनिफिट ये है कि आप इसकी हेल्प से आप ब्लश भी अप्लाई कर सकते हो, मतलब इसकी जितने भी शेड हैं लाइक 9 to 8 शेड्स हैं इसके, तो वो सभी शेड से आप जो है ब्लश अप्लाई कर सकते हो। मेरे पास में इसके 2 शेड हैं, पिंक ब्लश और आई थिंक रोज टच है। इसका प्राइस जो है वो 600 है, बट नायका पे मोस्ट ऑफ डिस्काउंट रहता है, तो आपको इजीली 450 या 460 500 के आसपास आपको मिल जाएगी। तो अभी मैं आपको पिंक ब्लश का स्वैच करके दिखाऊंगी ये कैसे दिखता है, बहुत अच्छा शेड है ये भी। नेक्स्ट जो मेरी लिपस्टिक है वो लॉरियल पेरिस पेन स्टिक लिपस्टिक है। इसमें मेरा शेड जो है सोशी मैट है, ये इस टाइप की पैकेजिंग के अंदर आती है गाइज। मैंने ये लिपस्टिक जो है पैकेजिंग देख के परचेज करी थी, और ये क्यूट सा पीची न्यूट कलर है, इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, इस टाइप से ओपन होती है। बट इसका जो प्राइस है गाइज वो 750 है, और आप डिस्काउंट के अंदर भी देखोगे तो मैंने काफ़ी टाइम चेक किया था, 600-500 के बीच में आपको ये मिलेगी। बट इसकी बजाय मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मेबलिन के अंदर कुछ ग्रेडियंट शेड्स आते हैं वो परचेस करें, वो सॉफ्ट मैट फिनिश देता है और उसमें ये सेम शेड भी अवेलेबल है, बट ये जो है वो इतना सॉफ्ट मैट नहीं है। लाइक 750 रुपीज़ इस लिपस्टिक पर मुझे एक तरह से मतलब पैसे वेस्ट करना लगा, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है इसके कंपैरिजन में मार्केट में ऐसी बहुत सारी लिपस्टिक्स हैं जिसमें ऐसा शेड और सॉफ्ट मैट और जैसी हमें क्वालिटी चाहिए वैसी मिल जाएगी। तो मैं इस लिपस्टिक के लिए आपको बोलूँगी कि आप ये परचेज ना करें, ठीक है मैंने इसकी पैकेजिंग देख के परचेज करी बट आप लोग इसे परचेज नहीं करें। सो या और इसकी जो स्टे पावर है वो भी 3 to 4 hours है, लाइक आप ऐसे प्रेस करोगे तो भी मतलब ये टिकती नहीं है अच्छे से, तो सजेस्ट यही करूँगी कि आप इसे नहीं खरीदें। सो गाइस ये था मेरा लिपस्टिक का रिव्यू, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और ये मेरे लिपस्टिक के जो रिव्यू है इसमें मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ये जो सारी लिपस्टिक थी वो न्यूड और पीची शेड में थी, नॉट कम्प्लीटली न्यूड। तो आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप नायका से, अमेजोन से और purple.com पे मे बी लॉरियल अवेलेबल नहीं है तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। और मैं एक चीज़ आपको सजेस्ट करूँगी कि नायका पे जो है वो मोस्ट ऑफ टाइम सेल चलती रहती है, तो आप लोगों को अच्छे खासे डिस्काउंट में लिपस्टिक मिल जाएगी। और अगर आपको कुछ और मेरे सजेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। सो गाइज थैंक यू, बाय बाय।